केंद्रीय मंत्री व मौजूदा सांसद गिरिराज सिंह का संदेशा नवादा पहुंचने लगा है। वे अपने समर्थकों के साथ संदेशा दे रहे हैं। संदेशा ये है कि नवादा में एनडीए के उम्मीदवार चंदन कुमार को जीत दिलानी है, कहीं से चूकना नहीं है, केंद्र में मोदी की सरकार बनानी है। ऊपर से ये भी है कि लोजपा प्रत्याशी सूरजभान सिंह के साथ हमारे रिश्ते सदैव ठीक रहे हैं। गिरिराज सिंह के नवादा पहुंच रहे संदेशे से लोजपा प्रत्याशी चंदन कुमार सिंह स्वयं को और मजबूत मानने लगे हैं। कह रहे हैं कि गिरिराज सिंह बड़े भाई हैं, उनका आशीर्वाद तो मिलना ही था। चंदन सिंह कह रहे हैं कि नवादा की तरक्की के लिए गिरिराज सिंह ने जिन कामों को बढ़ाया है वे उन सबों को और आगे ले जाएंगे। चंदन कुमार के पक्ष में गिरिराज सिंह के संदेशों का मतलब भी साफ है। चंदन के बड़े भाई सूरजभान सिंह पहली बार बेगूसराय के बलिया से ही सांसद बने थे। अब पुराने बलिया लोकसभा क्षेत्र के कई विधानसभा क्षेत्र बेगूसराय संसदीय क्षेत्र में ही है। ऐसे में बेगूसराय की लड़ाई में सूरजभान सिंह भाजपा प्रत्याशी गिरिराज सिंह के बड़े काम आने वाले हैं। इधर सूरजभान सिंह ने अपने निजी रिश्तों के बूते पर नवादा में भाई चंदन कुमार के लिए पूरे एनडीए को एकजुट कर लिया है। जो नेता विधायक गिरिराज सिंह के समय इधर उधर की बातें खुले में तौर पर कर रहे थे, वे भी चंदन कुमार के पक्ष में लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। एनडीए की एकजुटता का असर लोजपा प्रत्याशी चंदन कुमार के चुनाव प्रचार अभियान में दिखने लगा है। भाजपा, लोजपा, जदयू के सभी नेता अपने अपने प्रभाव वाले इलाकों में मोर्चा संभाल चुके हैं। मोदी ब्रांड का फायदा तो साथ में है ही। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव सिटीज डेस्क।